परवेज अंसारी गैंग का शातिर अपराधी व परवेज का छोटा भाई छोटू अंसारी उर्फ जावेद पुत्र मंजूर अंसारी निवासी जंगल माता दीन ज्ञानपुरम थाना शाहपुर को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इसके ऊपर 15,000 का पुरस्कार घोषित था, जिसको पुलिस ने 24 नवंबर की रात्रि में धर्मशाला पुल उत्तरी छोर पर गिरफ्तार किया है। छोटू ने 21 नवंबर को मुठभेड़ के दौरान पुलिस टीम पर फायर करने के बाद भागने में सफल रहा। शुक्रवार को मुखबिर से सूचना मिली कि छोटू अंसारी अपने दो अन्य साथियों के साथ कहीं भागने के फिराक में है, तो वाहन चेकिंग शुरू कर दी गई। तभी छोटू व उसके साथी आते दिखाई दिए। पुलिस को अपनी तरफ आता देख दो अन्य पहले ही उतर कर फरार हो गए व छोटू को पुलिस टीम ने बहादुरी का परिचय देते हुए घेर कर पकड़ लिया। इसकी जमा तलाशी से 315 बोर का एक तमंचा व एक जिंदा कारतूस, एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जबकि इसके दो साथी अनुराग मिश्रा व पुत्र विजय मिश्रा निवासी ग्राम भलुआना थाना गघा हाल मुकाम सेमरा नंबर 1 थाना शाहपुर तथा मैनुद्दीन अंसारी पुत्र नसीरुद्दीन अंसारी निवासी धर्मपुर निकट लिटिल फ्लावर स्कूल थाना शाहपुर फरार होने में सफल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए सीओ क्राइम व गोरखनाथ प्रवीण कुमार सिंह ने बताया। मौके की नजर कर देख नहीं एकदम आमना सामना हो गया था, आमना सामना हो गया था सर 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 सर। उस दिन से मौके से फरार हुआ था, उस दिन मौके से फरार हुआ सर 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 इधर थोड़ा एक ये बर्थडे के फोटो एक हो जाए सर। अभी नहीं छोटू अंसारी की गिरफ्तारी की गई है। कल धर्मशाला उत्तरी ब्रिज के पास रात्रि में वाहन चेकिंग के दौरान इंस्पेक्टर शाहपुर और उनकी टीम के द्वारा, जिसमें क्राइम ब्रांच के द्वारा भी इस मुहिम में सहयोग प्राप्त किया गया था। जब सूचना मिली मुखबिर से कि वहां से कोई साथी अपराधी जो कि ये पूर्व में ट्रिपोलिस पे अब तो फायर करके फरार हो चुका है, उस रास्ते जाने वाला, उस निशानदेही पे जब रोका गया और इसे वहाँ मौके से दबोचा गया तो पूछताछ के क्रम में टूट गया और इसने बताया कि मैं ही ठीक छोटू अंसारी हूँ। और आप लोगों को जानकारी होगी कि अभी एक गैंग यहाँ से गया था परवेज अंसारी, उस गैंग का सक्रिय सदस्य रहा ये। और उस दिन जब ये इस गैंग के साथ मुठभेड़ हुई थी, जिसमें कि 5 लोग कुल पकड़े गए थे मौके से, उसमें अंधेरे का लाभ उठा के ये वहाँ से फरार हो चुका था। इसका एक अच्छा खासा आपराधिक इतिहास भी है, लूट से लेकर ये हवाई फायरिंग करना 307 जैसे संगीन अपराध इसके ऊपर इस वर्ष अब तो पंजीकृत हो चुके थे। ये गैंगस्टर में भी अनिरुद्ध रहा था, जहाँ से बेल आउट होकर बाहर था ये, इसी की मैं गिरफ्तारी गई मैंने इसमें हुई है। एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। 15,000 का इनामिया था, 15,000 का इनामिया था जनपद।